ढोल बजा के खाना, ढोल बजा के जीना, मेरे भी मारूफ ढोल प्लेयर पप्पू साईं की टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई। शेख जैद अस्पताल में पप्पू साईं का 80% जिगर खराब हो चुका है, डॉक्टर्स की जानिब से ऐसा कहा गया है। जबकि डॉक्टर्स की जानिब से पप्पू साईं को जिगर की पैबंदकारी कराने का मशवरा दिया गया है। पप्पू साईं के अहले खाना की हुकूमत पंजाब से इलाज की अपील भी की गई है। मैं पप्पू साईं का बेटा बात कर रहा हूं। तो हम लोग मौजूद हैं तो बाबा का पिछले दिनों में कुछ हल्का फुल्का इलाज चल रहा था, अभी कुछ ठीक है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। पहले जहाँ भी जा रहे थे, शेख जैद भी गए, वहाँ से भी इनकार हुआ, बेड अवेलेबल नहीं मिल रहा था। अब यहाँ थोड़ा बहुत इलाज चल रहा है। अब ये भी डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका इलाज पिछले दिनों में इन्होंने बोला कि इसका इलाज इधर नहीं है पाकिस्तान में। तो मेरी उस्मान गुलजार साहब से यही अपील है कि अगर लीवर का इधर इलाज नहीं है, मेरी ये अपील है कि बाबा को किसी बाहर के मुल्क में भेजा जाए जहाँ पर इनका इलाज शुरू हो। पापा को ये बीमारी तकरीबन 2 माह से है। ये अब तक हमारा खर्चा कुछ ज़्यादा ही आ गया, कुछ मेडिसिन भी ये लोग लिख के दे रहे हैं जो उनसे हम खुद बाहर से ला रहे हैं, ठीक है। तो हमारी यानी कि नहीं इतना फर्जात नहीं है कि हम खुद इतनी कुछ महंगी मेडिसिन बाहर से लेकर आएंगे। तो हमारी अपील है कि इस चीज़ को देखा जाए। मैं गुजारिश करता हूँ इमरान साहब गुलदार साहब से, मेरी गुजारिश है कि इस चीज़ को जल्द से जल्द देखा जाए। शेख जैद ने बोला कि 1-2 दिन उन्होंने ट्रीटमेंट किया बाबा का, उसके बाद इन लोगों ने बोला कि ये मेडिसिन है, ये ले जाएगा तो आप घर जाके इनका छोटा मोटा ट्रीटमेंट जारी रखें। रास्ता भी किया, CMO से कॉल भी 1-2 आई, तो अभी कुछ किसी ने इमदाद वगैरह किसी ने भी नहीं की। रास्ता हुआ है अभी उनके साथ, अब तक हमारा कुछ आ गया, कुछ 2-1.5 लाख खर्चा आ गया बाबा के ऊपर, हमारा खुद जो हमने खुद से किया ये कोई 10-15 दिन में 2-1.5 लाख खर्चा आ चुका है बाबा। वज़ीर आला पंजाब का अली पप्पू साईं के फ्री इलाज का ऐलान। पप्पू साईं के इलाज के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत पप्पू साईं के इलाज के अखराजात बर्दाश्त करेगी।